आज हम फिर से आगे टिकटॉक के एक वायरल वीडियो का ट्यूटोरियल लेकर, जैसा कि वीडियो देख सकते हैं टिकटॉक में काफी ज्यादा ट्रेंड में चल रहा है, तो आज मैं आपको इसी वीडियो का ट्यूटोरियल देने वाला हूं। इस टाइप के वीडियो आप कैसे बना सकते हैं, तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन से वो काइन मास्टर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद प्लस के आइकन पे क्लिक करना है, 9:16 का रेशियो सेलेक्ट कर लेना है, मीडिया पे आना है और आपने जो वीडियो शूट कर रखे हैं नॉर्मल उस वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है। वीडियो सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, लेयर पे आना है, मीडिया पे आना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक वीडियो का लिंक दे रखे हैं, उस वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद कैंची के निशान पे क्लिक करना है और एक्सट्रैक्ट ऑडियो कर देना है। इससे क्या होगा, वीडियो में जो भी ऑडियो होगा वो आपको बाहर आ जाएगा। वीडियो पे क्लिक करना है, इसे आपको डिलीट कर लेना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्स्ट्रा साउंड ऐड हो चुका है, आपके वीडियो का साउंड और इस साउंड को आपको मैच करना है। सबसे पहले आपको वीडियो को 1 से 2 बार प्ले कर देख लेना है हमारा वीडियो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो जैसे कि यहाँ से हमारा वीडियो स्टार्ट हो रहा है, वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे, कैंची के निशान पर क्लिक करेंगे, ट्रिम टू लेफ्ट कर देंगे। यदि राइट साइड का पार्ट कुछ एक्स्ट्रा है, वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे, कैंची के निशान पर क्लिक करेंगे और ट्रिम टू राइट कर देंगे। इस तरह से वीडियो में लेफ्ट साइड में या फिर राइट साइड में एक्स्ट्रा पार्ट है तो एक्स्ट्रा पार्ट को आपको रिमूव कर देना है और इस साउंड को आपको हल्का कम कर देना है और इस साउंड को आपको फुल कर देना है, कुछ इस तरह से। और आपको 1 से 2 बार वीडियो को प्ले कर लेना है और साउंड को आपको काफ़ी ध्यान से मैच कर लेना है। जब साउंड आपका मैच हो जाएगा तो आपको क्या करना है, एक्स्ट्रा साउंड को ट्रिम टू राइट कर देना है। इसके बाद ओरिजिनल साउंड को आपको म्यूट कर देना है। म्यूट करने के बाद तो आपको 1 से 2 बार आगे की तरफ प्ले करेंगे, जैसे कि आपको मैं बता देता हूँ किस तरह से आपको स्लो मोशन और फास्ट मोशन करना है। जैसे कि मैंने वीडियो को प्ले किया और स्टार्टिंग का आपका फास्ट मोशन चाहिए और यहाँ से आपको स्लो मोशन चाहिए, तो आपको क्या करना है, सिंपल इस पर क्लिक करेंगे, वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको स्पीड टू प्ले हिट का एक ऑप्शन मिल जाता है, स्पीड टू प्ले हिट कर देंगे। फिर से इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर भी आपको स्पीड टू प्ले हिट कर देना है। वीडियो को 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। वीडियो पे क्लिक करेंगे, कैचिंग निशान पे क्लिक करेंगे और स्पीड टू प्ले हिट कर देना है। और इस पर भी आपको इस वीडियो क्लियर पे क्लिक करेंगे, लास्ट पॉइंट पे आना है और यहाँ पे भी आपको स्पीड टू प्ले हिट कर देना है। वीडियो आपको देख सकते हैं 3 पार्ट में डिवाइड हो चुका है। तो आपको बीच वाले पार्ट को आपको स्लो मोशन करना है, सिंपल वीडियो पर क्लिक करेंगे, स्पीड कंट्रोल पर आएंगे और यहाँ पर आपको 0.5 कर देना है, ठीक है। इस साउंड वाले लेयर पे क्लिक करेंगे और लास्ट पॉइंट पे आएंगे और एक्स्ट्रा साउंड एक्स्ट्रा वीडियो को आपको ट्रिम टू राइट कर देना है। इससे क्या होगा, बस एक वीडियो जो आपको वीडियो आपको लॉन्ग नहीं होगा, साउंड आपको मैच हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर वीडियो हमारा काफ़ी ज़्यादा स्लो हो चुका है। इसके बाद वीडियो को आगे तरफ लेकर आएंगे, फिर से वीडियो पर क्लिक करेंगे, स्पीड टू प्ले हिट करेंगे, वीडियो पर क्लिक करेंगे, वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको स्पीड टू प्ले हिट कर देना है। वीडियो आपको फिर से देख सकते हैं, सिंपल स्पीड कंट्रोल पर आएंगे और यहाँ पर आपको 0.5 कर देना है, आपका वीडियो स्लो मोशन हो जाएगा और एक्स्ट्रा साउंड। अब इसके बाद वीडियो इसके बाद ऑडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे और लास्ट पॉइंट पे आ जाएंगे और एक्स्ट्रा साउंड एक्स्ट्रा वीडियो का आपको ट्रिम टू राइट कर देना है। तो आपका वीडियो फर्स्ट वाले नॉर्मल आ जाएगा, सेकेंड वाले आपको स्लो मो आ जाएगा, थर्ड वाले नॉर्मल हो जाएगा और फोर्थ नंबर पर आपको स्लो मोशन हो जाएंगे। तो इस तरह से फास्ट मोशन और स्लो मोशन, स्लो मोशन फास्ट मोशन वीडियो आप बना सकते हैं और यहाँ पर आपको साउंड भी मैच हो चुका है। इसके बाद सेटिंग पर क्लिक करना है, ऑडियो फेड आउट को ऑफ कर देना है, शेयर पे क्लिक करना है और यहाँ पे HD 720p और 30 सेलेक्ट करने के बाद वीडियो को एक्सपोर्ट कर देना है। यदि आप वीडियो टिकटॉक साउंड पे आपको शूट करते हैं तो आपका एक्स्ट्रा साउंड को रिमूव नहीं करना पड़ेगा और बिल्कुल आसानी से आप स्लो मोशन और फास्ट मोशन वीडियो बना सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको एक साउंड लिंक दे दूंगा, इसी वीडियो के साउंड पर आपको वीडियो को अपलोड कर देना है।